देश भर में कोरोना वैक्सीन के डोज लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसमें समूचे देश में 16 जनवरी को टीके लगाए जाने हैं। इसी क्रम में खरगोन जिला चिकित्सालय में भी टीके लगने की कवायद शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि महामारी से लड़ने के बाद टीकाकरण पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की तर्ज पर सबसे पहले सफाई कर्मियों को लगाया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने कर्मियों का पंजीयन भी कर लिया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रथम चरण में 3,780 शासकीय और प्राइवेट सफाई कर्मियों को टीका लगाना प्रस्तावित है। शुक्रवार को पुराना हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO गौरव बनेल, अपर कलेक्टर ML कनेल, CMO रजनी डावर सहित पत्रकार मौजूद थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के अमले को चिन्हांकित किया गया है, रजिस्टर किया गया है। उन लोगों में से अभी हमको 3700 लोगों के आसपास हिसाब से डोजेज मिले हैं, तो उन लोगों को कल से सुबह 9 बजे जिला अस्पताल में अभियान चलाकर वैक्सीनेट किया जाएगा। एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उसमें हमारी पूरी टीम लगेगी, चिकित्सकीय टीम। एक टीम में 6 लोग हैं, 2 वैक्सीनेटर हैं, तो एक आदमी लगभग 50 लोगों को वैक्सीनेट करेगा। किन लोगों को लगना है, कितनी उम्र के लोग? जैसा मैंने आपको बताया कि पहले चरण में उन लोगों को लगेगा जो कि चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो इस प्रकार के 9,500 लोग हैं, उन लोगों को प्रथम चरण में लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।